हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर। आज का हमारा टॉपिक है थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर। सो डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर सोशल कोर्स बुक। अपनी सोशल की कोर्स बुक ओपन करेंगे। पेज नंबर 22, पेज नंबर 22 ओपन करेंगे। वाटर, थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर कैन बी इन थ्री डिफरेंट फॉर्म्स। द सॉलिड फॉर्म्स फॉर्म इज आइस और स्नो, विच वी गेट व्हेन वाटर फ्रीज। The liquid form is water that we drink. Liquid form कौन सा होता है? Water जो हम लोग पीते हैं। Next, the gas form is steam. The gas form steam or water vapor which we get on heating water जब हम पानी को गर्म करते हैं तो water vapor होता है, जो वो अब उसका लिक्विड फॉर्म होता है। ठीक है, अब हम लोग उसकी डैश लाइन 5 टर्न करेंगे। व्हाट डू यू सी इन इमेज ए बी एंड सी? क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू सी इन इमेज ए बी एंड सी? इमेज ए में ग्लास में आइस है, इमेज बी में ग्लास में क्या है? वाटर है। इमेज सी में हॉट वाटर है, गर्म वाटर है, गर्म पानी है, उसमें स्टीम हो रही है। सो फर्स्ट में इमेज ए में क्या है? आइस क्यूब। यहाँ पे राइट करेंगे आइस क्यूब। इमेज बी वाटर, इमेज सी स्टीम। विच इमेज शो वाटर इन सॉलिड फॉर्म? कौन किस इमेज में है वाटर सॉलिड फॉर्म में है? तो इमेज ए में, क्योंकि इमेज ए में आइस है, तो आइस आपकी सॉलिड फॉर्म में होती है। सो वाटर इन सॉलिड फॉर्म इन इमेज ए, वाटर इन सॉलिड फॉर्म इन इमेज ए, वाटर इन लिक्विड फॉर्म इमेज बी, वाटर इन लिक्विड फॉर्म इमेज बी, वाटर इन गैस फॉर्म इमेज सी। राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। वाटर इन सॉलिड फॉर्म इन नेचर स्नो, वाटर इन लिक्विड फॉर्म इन नेचर फॉर रेन। हैव यू सीन वाटर इन गैस फॉर्म इन नेचर? तो इसका आपको आंसर देना है सेल्फ से ही। इसलिए से आप अपनी कोर्स बुक में पेज नंबर 22 में लेक्चर 5 डन करेंगे। ओके डियर।